ऐसा टेलीकॉम आए, एक अपना ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बताओ क्या। सर, मैं 2-3 इंस्टीट्यूट पहले घूम चुका हूँ जी, वहाँ पर सब जुगाड़ी लोग हैं जी, सब टेक्नीशियन हैं, और जो भी बताया गया मतलब कोई जुगाड़ी बताया है सबने, कहीं कोई फॉल्ट पड़ गया तो ये इशू उखाड़ के लगा दो, ये लगा दो, मतलब डायरेक्ट बता दिया है उसको, लॉजिकल नहीं बताया सर। बहुत सारे ऐसे हमने खराब करके छोड़ दिए बिना मतलब के। अच्छा, एशिया टेलीकॉम आप आना चाहते हैं तो जरूर आइए, यहाँ से यहाँ डीपली पढ़ाया जाता है और आईसी के रिकॉलिंग से लेके हर चीज प्रैक्टिकल करा। एक कल का ही एक्सपीरियंस था, कल ने सर ने वीडियो भी बनाई मेरी, तो एक हाफ शॉटिंग के चक्कर में मेरे पास 4 महीने का पहले फोन पड़ा था, तो मैंने उसके बदले में एक बोर्ड दे दिया था कस्टमर को। अच्छा, कि भाई वो चल नहीं रहा, तो सर कल एक ही बार में बना दिया सर वो। अपने नाम शेख दिशा में, कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद से यार, हैदराबाद में इतने सारे इंस्टीट्यूट, तो यहाँ क्यों बताओ? उनका पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता। अच्छा, आप मुझे बताओ कुछ चार्जिंग आईसीओ के नाम बताओ। सर, डीसी टू डीसी जितनी भी पीएम आईसीओ हो सर्विस के साइड में 90% जो लोग हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो सिर्फ देख कर या यूट्यूब देख कर सीखते हैं, जिनको लगता है यूट्यूब से ज्ञान मिल जाता है, नो सर्विस में डायरेक्ट किस आईसी पे काम करेंगे? सर फर्स्ट तो सर पहले नेटवर्क सर्च करेंगे सर। नहीं नहीं, वो नहीं, वो लोग जो यूट्यूब देखकर सीख रहे हैं। सर WTR निकाल, सीधे क्या निकाल लेंगे बताइए तब लोग? WTR निकाल लेंगे, सीधे उठा के WTR निकाल लेंगे। क्या सीधे WTR निकालने से नेटवर्क बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। उतना आपको यहाँ पर किसी ऐसे टेलीकॉम को रेफरेंस करना तो क्यों करेंगे बताइए? सर बहुत अच्छा तरीका आप लोगों का समझाने का, इसलिए बताइए और डीपली समझाते हैं आप लोग। यहाँ पर टीचरों का नॉलेज कैसा होता? सर टीचरों का नॉलेज तो बहुत आया है, इतना नॉलेज तो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। अच्छा, मैंने वीडियोस भी देखे और हमारे इधर के 2-3 लोग पढ़ के गए, उनसे पूछा। सबसे बड़ी बात, वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों कि इन्होंने वीडियो तो देखे पर इन्होंने रेफरेंस लिया। उन्होंने क्या बोला आपसे बताओ? बिल्कुल, आपसे अब बताओ कि आप जब यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना डिफरेंस है मयूर? बहुत डिफरेंस है। अगर अब मैं आप मयूर से बोलूँ कि मयूर ये लो एक पावर सेक्शन, इसी पावर ऐसी हीट कर रही है, चेंज कर दो, वन टाइम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कौन कौन वन टाइम में चेंज कर सकता है? और कस्टमर को डायरेक्ट ब्रेक्स नहीं देना, कस्टमर को ये नहीं बोलना कि सुला दूंगा सीपीयू का गेम हो जाएगा, कसकर नहीं गेम होगा, ये कर सकते ही नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखे हैं तरीकों के साथ में और प्रैक्टिकली। 16 भी देंगे बिल्कुल जाइए कि अगर सीख सकते हो तो वहाँ सीखोगे। मैं आपको बात करता हूँ, अगर एक पीएफओ निकला आया, सपोज मेरे सेट एक आया उसमें 4G नॉट बढ़ गई, मेरे पास एक सेट आता है एमआई का उसमें 4G सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है, जीएसएम आ रहा है पर उसमें LTE नहीं बन रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो रीजन किसका हो सकता है बताइए? अगर यहाँ पे सब कुछ डीपली नॉलेज चाहिए तभी आना चाहिए यहाँ पर, अगर ऊपर ही ऊपरी काम तो सब कर लेते सब कर लेते। मैं बताऊँ यहाँ कौन नहीं सीख सकता, मुझे अच्छे से बताओ। यहाँ पर यहाँ पे वो लोग नहीं सीख सकते जो पहले कर चुके हैं लेकिन वो अपने हिसाब से चलने वाले, वो कभी नहीं करते। दूसरा, और जो मेहनत नहीं करेगा ये नहीं सीख सकते सर, ये सबसे बढ़िया था, बताओ सब लोग एक साथ लेंगे, कौन नहीं सीख सकता यहाँ पर बताइए? जो मेहनत नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस आई एम टेलिंग कि भाई जाओ और जयपुर घूम कर आओ, क्योंकि अगर मैं जयपुर घुमाने वाला टीचर होता तो तुम यहाँ पर खड़े होके आज की डेट में तुम रिव्यू नहीं दे रहे होते, तुम अभी भी अंदर दुखी होते, यार मैं तो अभी तक नहीं सीखा यार, पता नहीं क्या है, मैं आईसी भी नहीं कर पाया, मैं अभी तक मैं सर्किट भी नहीं समझ पाया, ऐसा लग रहा हूँ। GR बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट आपने सबने किसने आईसी का GR बनाया, आईसी का पैड निकाल के सबने बनाया, इंपॉर्टेंट है चेक करना सिर्फ 3 चीज जो एनालिस्ट बताती है सर, GR वैल्यू, GR वोल्टेज, तीनों चीज चेक करवाई की नहीं करवाई? DSO से तीनों चीज चेक करवाई की नहीं करवाई? इससे पहले आप इंस्टीट्यूट गए किसी? बैंगलोर में रहते हैं, बाकी नाम मत बोलिए किसी का भी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेते हैं, हमको पता है कि सारे इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं, बट ठीक है, बैंगलोर में रहते हैं तो यहाँ पे क्यों आ गए फिर? जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे गए तो वहाँ थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल नहीं होता था। अच्छा, तो कितने घंटे की क्लास होता था? उधर 2 घंटे की। 2 घंटे की क्लास में थोड़ा पर बैटरी लगाने पे ऑन नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? डीसी टू डीसी आईसी खराब हो गई, चाहे उसको सेक्शन में डिस्प्ले आईसीओ के नाम बताइए। अगर आपको इस टेलीकॉम को ज्वाइन करना है तो कल ही कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में और अपनी सीट तो बुक कराइए। अभी हमारा मई जो बैच है वो आपको मिल जाएगा और कोशिश करो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये समझो कि आपकी सोने की चाबी है,
इतना कुछ लेके जा सकते हो आप। हम आपको आईसी रिबॉल करना, आईसी के ग्लू पेस्टर काटना, आईसी लगाना, आपके आपसे हम सीपीयू ईएमसी पावर सबका काम कराएंगे, प्लस हम आपको पूरा सर्किट का नॉलेज देंगे और लाइफ टाइम फ्री अपडेट आपको देंगे, फ्री क्लास आपको देंगे, कोई रिचार्ज जैसा कुछ भी आपको, कोई टॉप अप वाउचर या कोई पेड या 20-30% आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे, समय समय पे हम आपको कॉल करते हैं। हम अपने स्टूडेंट को हर 3 महीने के बाद में खुद परखते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है, हम उसको कॉल करते हैं, उसको अपडेट के लिए बुलाते हैं। UFI की बात करें और UFS की बात करें, हम दोनों चेंज करना आपको सिखाएंगे, प्रॉपरली डैमेज होने पर कैसे करेगा। तो ये पूरा काम आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसलिए आपको दो बार आना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलो एसर टेलीकॉम ज्वाइन करोगे तो किंग जरूर बनोगे, पर एक एक समय देकर 10-15 दिन का कोर्स करके दोस्तों आप अपने से पैसा बर्बाद करेंगे। आई होप आप समझ गएंगे मेरी बात और ज्वाइन करें एसर टेलीकॉम अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?